हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एटीमन। मेरे द्वारा आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। मैं आप लोगों को विद प्रूफ के साथ ऑथेंटिक साइट पर ले जाकर कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाती हूं ताकि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर शेयर करती हूँ ताकि आप वहां जाकर जो है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन खुद चेक करें, उसके बाद जो है वो आवेदन पत्र भरें। यहां मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में राजस्थान की एक नई भर्ती जो कि वीआरपी के पद है। 1886 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, तो यहाँ कोई भी जो है वो सीईटी यानी कोई भी एग्जाम जो है वो आपका नहीं मांगा गया है। योग्यता जो है स्नातक मांगी गई है। अंतिम तिथि 30 जुलाई रहने वाली है। आपके पास 5 ही दिन शेष हैं। यदि आप यहाँ फॉर्म भरते हैं तो आप जल्दी यहाँ पर करें। आयु जो है 21 से 64 वर्ष रहने वाली है। गवर्नमेंट सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिले वाइज जो वैकेंसी आई है तो कितनी वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो जिलों के नाम जो है यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ कुल पंचायत समितियों की संख्या दी है। उसके बाद जो है जो पद हैं, पदों का जो नाम है वह है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर अजमेर जिला जो है इसमें 54 वैकेंसी आई है। अलवर जिले से 97 वैकेंसी आई है। तो हर जिले से जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। बांसवाड़ा से 70 वैकेंसी है, बारा से 39 वैकेंसी है, बाड़मेर से 115 वैकेंसी है। तो आपका जो भी जिला है तो जिले वाइज जो है वो आप देख लें कि यहाँ पर जो है वैकेंसी कितनी कितनी आई है। कुल अगर वैकेंसी की बात करूँ मैं तो थंबनेल में मैंने शो कर दिया था कि कुल जो है वो 1886 पद हैं। जयपुर जिले में अगर बात करूं तो जयपुर जिले से जो वैकेंसी आई है वह है 100, ठीक है। तो आप अपने जिले वाइज जो है वो यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। तो चलिए अब जो है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो दिखा देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करोगे ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत ध्यान से वीडियो देखना है। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो बनते हैं समय पर आप लोगों तक पहुंच सकें। जैसे कि 14 जुलाई को जो है सबसे पहले इसकी विज्ञप्ति आई कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वय एवं जिला कलेक्टर चूरू से, ठीक है। तो ये चूरू से आई है, बाकी सभी जिलों से आई है। तो मैं आप लोगों को चूरू जिले का दिखा देती हूँ। कुछ दिनों बाद जो है वो 17 जुलाई को दोबारा से यही विज्ञप्ति जो है वो दोबारा से जारी हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो आवेदन है ऑनलाइन मांगे गए हैं। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की जो सेवा का नाम है, पद का नाम है, वह है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, बीआरपी के पद है। चूरू जिले में 51 पद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चूरू जिला जो है उसमें कितने पद हैं, 51 पद हैं। यहाँ आपसे जो शैक्षणिक योग्यता है वह स्नातक मांगी गई है, ग्रेजुएशन मांगी गई है, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो। तकनीकी एवं प्रशैक्षणिक जो योग्यता है यहाँ पर मांगा गया है आरएससीआईटी, ठीक है। कोई कंप्यूटर में जो है वो आपका प्रमाण पत्र मांगा गया है तो राजस्थान में आरएससीआईटी ही चलता है और मैक्सिमम बच्चे सभी जो है ये करते ही है। आयु जो है वो आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 21 से लेकर 64 वर्ष तक अधिकतम रहने वाली है। तो सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं 21 से 64 वर्ष तक। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 30 जुलाई है, तो आप समय पर भर दें। चलिए मेन चीजें जो है वो हम यहाँ देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो आप ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने सही से यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ करेक्शन का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। सभी आवेदकों द्वारा जिला वेबसाइट जो चूरू की जो वेबसाइट है churu.rajasthan.government.in, इसी तरीके से आपके जिले की होगी jaipur.rajasthan.government.in या फिर hanumangarh.rajasthan.government.in, ठीक है। इसके लिंक पर जाकर आवेदन पत्र जो है वो आप डाउनलोड करेंगे। जो ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंतिम पेज पर ही आवेदन पत्र दिया हुआ है, इसको जो आपको डाउनलोड करना है, पूरा भर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में प्रेषित करें। मैं आप लोगों को जो शॉर्ट में बता देती हूँ कि आवेदन पत्र जो है आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो है वो स्कैन कर लेंगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं और आवेदन पत्र है इसको स्कैन कर लेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में जो है इनको कन्वर्ट कर लेना है। और इसके बाद 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को भेज देना है। उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरकर जिले की ईमेल एड्रेस पर पीडीएफ फाइल में निर्धारित तिथि और समय से पहले भेज देंगे। तो यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं या किसी को कंप्यूटर की नॉलेज हो उससे ले सकते हैं या ई मित्र के पास जाकर जो है इसको भरवाएं, ठीक है। उनसे आप कहिएगा कि ऑनलाइन जो है वो भरना है और 5 MB से ज्यादा जो है आपकी पीडीएफ फाइल नहीं होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले संबंधित जिला कार्यालय की जो वेबसाइट है इस पर उपलब्ध विज्ञप्ति, अन्य आदेश, दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। तो ये तो मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ कि ये जैसे कि ये पूरा नोटिफिकेशन है, तो मेन जो चीजें हाईलाइट हैं वो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग कंप्लीट पढ़ें तक, क्योंकि आप लोगों को फॉर्म भरना है। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यान पूर्वक भरें, क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की गलती जो है उसको संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो बिल्कुल सही जानकारी आप एक बार में ही भरें, किसी से भरवा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिनको ज्यादा कंप्यूटर की नॉलेज हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी सूचना गलत या अपूर्ण यानी कि अधूरी भी भर दी आपने तो आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क, अब देखिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि परीक्षा जो है वो नहीं होगी। यहाँ पर जो है वो परीक्षा शुल्क का मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है उसके 100 रुपए लग रहे हैं। परीक्षा आपकी जो है वो यहाँ नहीं होती है, लेकिन अगर आवेदकों की संख्या जो है वो अधिक हो जाती है, ठीक है, यानी लिमिट से भी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो परीक्षा करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य होंगे, ठीक है, आवश्यक होगा तो ही होगी। आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही जो है वो लिखित परीक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी आपकी ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, RSCIT में कितने मार्क्स हैं, इसके बेस्ड पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा आवेदक आवेदन कर देते हैं विद्यार्थी, तो यहां पर परीक्षा हो सकती है। अभी तक तो यहां पर कोई भी परीक्षा नहीं हुई है इससे पहले। उसके बाद देखें, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अर्हता यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर चाहे पुरुष हो, महिला हो, स्नातक और RSCIT या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आपने जो है सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर संबंधी अनुपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हो। यानी आपने कोई भी जो है वो डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर का, तो आप यहाँ एलिजिबल हो। राजस्थान में RSCIT तो 7 पेजों की PDF फाइल है, जिसमें 6 नंबर का जो पेज है अंतिम पेज, तो उसमें जो है वो आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसी को जो है वो आपको फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट के साथ में सेंड करना है। तो जो भी चूरू का स्टूडेंट है तो यहाँ मेन वेबसाइट पर जाना है, chururajasthan.government.in। उसके बाद जो है वो आप इस लिंक पर जाएंगे, फिर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप अटैच करके आवेदन पत्र के साथ में यहाँ पर जो है वो आप लोगों को आवेदन पत्र को भेजना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।